हाय एवरीवन, बायोलॉजी की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम कर रहे थे अवृतबीजी पादपों में लैंगिक जनन, और लैंगिक जनन के अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था मादा भाग, पुष्प के मादा भाग के बारे में बात कर रहे थे, और उसका मादा भाग कौन सा होता है इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, और उसका प्लेसेंटेशन क्या होता है इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। अगला जो हमें टॉपिक लेना है वो ये है, सबसे पहले तो हमारे मन मस्तिष्क में एक ऐसा प्रश्न आना चाहिए, जैसे मान लेते हैं कि यह एक कोई पौधा है, ये एक पौधा है जिसकी ये जड़ हो गई, ये तना हो गया, इस तने के ऊपर यहाँ पर पत्तियां लग रही है और इधर भी एक पत्ती लगा देते हैं, ये पत्ती लग रही है, और अचानक कुछ ऐसा हुआ कि ये जो एपिकल टिप है या फिर इसकी कोई शीर्षस्थ कलिका जो है उसके ऊपर क्या लगना शुरू हो गया, पुष्प लगना शुरू हो गया, ये इसकी जड़ होगी, ये इसका तना, ये इसकी पत्ती, और ये यहां तक क्या था, कायिक कलिका थी। क्या थी? कायिक कलिका, जो कि आगे की तरफ वृद्धि कर रही थी। अब ऐसा हुआ कि ये कायिक कलिका ही रूपांतरित हो गई किसमें, पुष्प ये कलिका, पुष्प ये कलिका में रूपांतरित हो गई और उसके ऊपर पुष्प लगना शुरू हो गया। तो इसका कारण क्या है, ऐसा क्या हुआ इस पौधे के साथ में कि अब यहां पर क्या लगने शुरू हो गए, पुष्प लगने शुरू हो गए। यदि आपको याद आ रहा हो तो जब हमने लघु बीजाणु जनन या लघु बीजाणु धानी की संरचना पढ़ी थी उससे पहले एक बार इसको देखा था, उसको मैं शॉर्ट में वापिस रिपीट कर देता हूं। किसी भी पौधे के ऊपर पुष्पन अर्थात पुष्प लगने की क्रिया जो है, यह कुछ पर्यावरणीय कुछ वातावरणीय कारकों द्वारा नियंत्रित होती है, और वो मूल कारक कौन कौन से होते हैं, दो मूल कारक होते हैं जिसको हम कहते हैं। पहला होता है दीप्ति कालिता, जिसको हम कहते हैं फोटो पीरियोडिज्म। तो ये फोटो पीरियोडिज्म क्या है ये हम पहले पढ़ चुके हैं। इसकी खोज की यदि बात करें तो दो वैज्ञानिक थे अमेरिका के, W.W. गार्नर तथा H.A. एलार्ड। ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1920 ईस्वी में एक तंबाकू की किस्म थी, तंबाकू की किस्म जिसका नाम था मैरीलैंड मेमथ पर प्रयोग किया, और ये बताया कि पादपों के पुष्पन हेतु वो पादप जो है दीप्ति कालिता के प्रति अनुक्रिया प्रदर्शित करता है। और ये दीप्ति कालिता क्या होती है इसके बारे में जानना है तो यह पहले की वीडियो में डाल रखा, उसको देख लीजिएगा। दूसरा जो कारक होता है वो होता है पसंदीकरण, जिसको बोलते हैं वर्नेलाइजेशन। ये वर्नेलाइजेशन क्या है, वर्नेलाइजेशन जो है एक ऐसा प्रभाव जिसमें होता यह है कि तापमान के प्रति पौधे जो है वो अनुक्रिया प्रदर्शित करते हैं, उसको एक विशेष टेम्परेचर मिलता है तभी वो पौधा जो है उसके ऊपर पुष्पन होता है, अन्यथा उसके ऊपर पुष्पन नहीं होता है। और एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लाइशिंगो,
इन्होंने क्या किया, चावल की दो किस्में ली, चावल की दो किस्म, और इन दो किस्मों पर प्रयोग किया तो उनको पता चला कि पौधे के ऊपर पुष्पन आना या ना आना, यह बात तापमान पर भी निर्भर करती है। मतलब उसका तापमान, उसको निश्चित तापमान मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। यदि उसको निश्चित तापमान मिल रहा है तब उसको उसमें पुष्पन होगा, और नहीं मिल रहा है तब उसमें पुष्पन नहीं होगा। तो जिस पौधे को तापमान न मिलने की वजह से उसमें पुष्पन नहीं होता, उसको क्या किया जाता है, हरित ग्रहों के अंदर उसका शीत उपचार किया जाता है, शीत उपचार। और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, वर्नेलाइजेशन कहते हैं। यह हो गया दूसरा कारक जो कि पादपों में पुष्पन हेतु उत्तरदायी होता है, पहला कौन सा, दीप्तिकालिका, और दूसरा बसंतीकरण या वर्नेलाइजेशन। अब देखिएगा ये इन कारकों से होता क्या है। ये कारक जो है बसंतीकरण और फोटोपीरियोडिज्म, ये दोनों क्या करते हैं, इनकी वजह से पादपों की पत्तियों में कुछ विशेष परिवर्तन होते हैं, और उन परिवर्तनों के फलस्वरूप जो कायिक कलिका है, भाई देखिएगा ये पत्ती है और इस पत्ती से ये मान लेते हैं ये यहां पर कायिक कलिका थी जो क्या कर रही थी, कायिक वृद्धि कर रही थी, पौधे की वृद्धि में उत्तर गई थी। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि इसको एक विशेष टेम्परेचर मिला, इसको एक फोटो पीरियडिज्म मिला, पूरा डे पीरियड, पूरा दिवस का जो जितना उसको दीप्ति काल मिलना चाहिए था उतना मिल गया। तो इस वजह से हुआ क्या, इस पत्ती के अंदर, हम जानते हैं कि पत्ती के अंदर क्या होते हैं, हरित लवक होते हैं, क्या होते हैं, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट की जो दीवार होती है दोहरी झिल्ली युक्त होता है, तो उसकी आउटर मेम्ब्रेन जो होती है उस आउटर मेम्ब्रेन के अंदर कुछ वर्णक पाए जाते हैं, और इनको हम क्या कहते हैं, फाइटो फाइटोक्रोम, क्या कहते हैं, फाइटोक्रोम कहते हैं। ये फाइटोक्रोम क्या करते हैं, बाहर से उस प्रकाश को ग्रहण करते हैं, फोटो रिसेप्टर होते हैं, बाहर से प्रकाश को ग्रहण करते हैं, और बाहर से प्रकाश को ग्रहण करके इन पत्तियों के अंदर ही उपस्थित होते हैं कुछ पदार्थ जिनका नाम होता है जिब्रेलिन, जिब्रेलिन तथा एंथेसिन, जिब्रेलिन तथा एंथेसिन, इन दोनों पदार्थों को मिलाकर एक हार्मोन का निर्माण करता है, और उस हार्मोन का नाम होता है फ्लोरीजन, क्या नाम होता है, फ्लोरीजन हार्मोन। ये फ्लोरीजन हार्मोन जो है यह एक प्रेरणा उत्पन्न करता है, एक प्रेरणा देता है किसके लिए, पौधे में पुष्प निर्माण के लिए। जैसे हमारी ग्लैंड्स होती है वो कुछ हार्मोन्स छोड़ती है, और वो हार्मोन्स जो है संबंधित अंग में जाकर किसी एक विशेष काम को करवाने के लिए या किसी एक विशेष काम को रोकने के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक वैसे ही पत्तियों के अंदर बना हुआ ये फ्लोरीजन हार्मोन जो है उस समन्वित एपिकल टिश्यू जो है, कायिक कलिका जो है, वहां पर जाकर पुष्पन के लिए प्रेरित करता, उन कोशिकाओं को प्रेरणा देता है कि अब यहां पर पत्तियां नहीं लगकर पुष्प लगने चाहिए। तो ये प्रेरणा उत्पन्न करता है, इस कारण इसको क्या बोला जाता है, दीप्तिकालिक, दीप्तिकालिक प्रेरण कहा जाता है। इस दीप्तिकालिक प्रेरण की खोज जो है वो सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था नॉट, क्या था, नॉट, ये हुए थे सन 1934 ईस्वी। नोट नामक वैज्ञानिक ने यह बताया था कि ये दीप्तिकालिक प्रेरण जो है कहां पर होता है, पत्तियों में होता है, कहां पर होता है, पत्तियों में होता है। और इस दीप्तिकालिक प्रेरण का कारण जो है फ्लोरीजन हार्मोन, इस फ्लोरीजन हार्मोन की खोज जो है वो की थी
कैच लैक जोन, कैच लैक जोन नामक वैज्ञानिक ने 1936 ईस्वी के अंदर ये बताया था कि ये ऑरिजन हार्मोन होता है जो प्रेरणा देता है कि अब यहां पर पत्तियां नहीं लगकर कायिक वृद्धि ना होकर यहां पर पुष्पीय वृद्धि होनी चाहिए। और इससे होता क्या है, अब यहां पर ये कायिक कलिका थी जो कि आगे की तरफ वृद्धि करना चाह रही थी, इसके अंदर पहुंचा फ्लोरिजन हार्मोन। फ्लोरिजन हार्मोन पहुंचा कैसे, बना कहां पर, पत्तियों में, और यहां पर पहुंचा कैसे, देखिएगा पादपों के अंदर होते हैं सहमन उत्तक वेस्कुलर बंडल्स, और वेस्कुलर बंडल्स के अंदर दो मेजर टिश्यू काम करते हैं, पहला होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो है वो जल और खनिज लवणों का परिवहन करता है, जबकि फ्लोएम जो है वो एक तो परिवहन करता है भोजन का, जो पत्तियों के अंदर भोजन बना उसको समन्वित अंग तक पहुंचाने का काम करता है, और दूसरा ये काम करता है इस फ्लोरिजन हार्मोन को ले जाने का, फ्लोरिजन हार्मोन को ले जाने का काम करता है। और फ्लोएम, अब ये तो यहां पर बना हुआ फ्लोरिजन हार्मोन है, यहां से फ्लोएम टिश्यू से होता हुआ कहां तक पहुंचेगा, उस एपिकल टिश्यू तक पहुंचेगा, कायिक कलिका तक पहुंचेगा, जो कि शीर्षस्थ थी, विभाज्योत की कोशिकाएं हैं जो आगे की तरफ वृद्धि करने के लिए तैयार है। अब ये यहां पर पहुंचा, और इसके पहुंचने की स्पीड जो है वो एक वैज्ञानिक हुए वाल्डेना, इन्होंने बताया कि ये प्रेरण जो है ये 24 मिलीमीटर से लेकर 300 मिलीमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है, मतलब बहुत धीरे धीरे जाता है, भोजन से इसकी स्पीड बहुत कम होती है। यहां से निकला हुआ ये फ्लोरिजन हार्मोन कहां पर पहुंच गया, इस कोशिकाओं तक पहुंच गया। अब इन कोशिकाओं के अंदर क्या परिवर्तन होगा, जैसे ही ये प्रेरण वहां पर पहुंचा तो इन कोशिकाओं के अंदर सबसे पहले ही राइबोसोम की संख्या में वृद्धि होगी, राइबोसोम की संख्या में वृद्धि, बहुत अधिक राइबोसोम बनेंगे। ऐसे ही आरएनए व डीएनए की मात्रा में वृद्धि होगी, ऐसे ही प्रोटीन संश्लेषण की दर बढ़ेगी, प्रोटीन संश्लेषण की दर बढ़ेगी, कोशिकाएं आकार में बड़ी होगी, कोशिकाएं आकार में बड़ी हो जाएगी, इस तरीके से कुछ परिवर्तन होंगे। और इतने परिवर्तन होने के बाद में अब ये जो कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं कायिक वृद्धि नहीं करके पुष्पीय वृद्धि हेतु उत्तरदायी हो जाएगी, क्या हो जाएगा, अब इसमें कायिक वृद्धि ना होकर इनके ऊपर पुष्प लगने शुरू हो जाएंगे, तो अब इसको हम कायिक कलिका नहीं कहकर क्या कहना शुरू कर देंगे, पुष्पीय पुष्पीय कलिका कहना शुरू कर देंगे। अब जो ये पुष्पीय कलिका है, इस पुष्पीय कलिका से पुष्प कैसे लगता है, चलो कलिका तो बन गई मान लिया, लेकिन जो कायिक कलिका है वो भी तो वृद्धि करके आगे कायिक रचनाओं का निर्माण करती है, ठीक वैसे ही हमें ये जानना है कि ये पुष्पीय कलिका जो है ये किस तरीके से वृद्धि करके इसके ऊपर पुष्प का निर्माण होता है, इसके बारे में देखते हैं। हमें ये जानना था कि ये जो पुष्पीय कलिका निर्मित हुई, इस पुष्पीय कलिका से किस तरीके से इसके ऊपर पुष्प लगेंगे, पुष्पन कैसे होगा, इसके बारे में हमें देखना है। तो देखने के लिए हम ये कहेंगे कि ये वापस से इसको प्लांट को बना देते हैं,
ये बन गया हमारा प्लांट और ये इसकी लीफ हो गई और इसके ऊपर लग गया फ्लावर। देखिए ये फ्लावरिंग जो है ये भी दो तरीके से होती है। यदि पादप एक वर्षीय है मतलब जिसका जीवन काल 4 माह का है, उसमें पुष्पन जो होता है वो जीवन काल के अंत में होता है। उसका जीवन जब समाप्त होना होता है उस समय पुष्पन होता है और पुष्पन होके उसके ऊपर बीज लगते हैं, फल लगते हैं और फल लगने के बाद में पादप का जीवन काल ही समाप्त हो जाता है, मतलब जीवन में एक बार ही पुष्पन होता है। लेकिन यदि हम बहुवर्षीय पादपों की बात करें तो बहुवर्षीय पादपों के अंदर ऐसा होता है कि जो पुष्पन होता है वो प्रतिवर्ष होता रहता है और प्रतिवर्ष जब पुष्पन होता रहता है तो उसके अंदर ऐसा होता है कि यदि शीर्षस्थ कलिका की हम बात करें तो उसमें असीमाक्षी क्रम में पुष्प लगते हैं और यदि शाखाओं की बात करें तो शाखाओं पर ससीमाक्षी या असीमाक्षी पुष्प क्रम में पुष्पन जो है वो होता रहता है और ये प्रतिवर्ष होता है बहुवर्षीय पादपों के अंदर। बात करें द्विवर्षीय पादपों की तो द्विवर्षीय पादपों के अंदर जिनका जीवन काल 2 ऋतु में होता है मतलब 8 महीने का लगभग होता है तो ऐसे पादपों के अंदर पहली ऋतु जो होती है उस पहली ऋतु के अंदर तो उसकी कायिक वृद्धि होती है और दूसरी ऋतु जो होती है उसमें उसका पुष्पन होता है। ये अलग अलग पादपों के अंदर अलग अलग तरीके से होता है पर हमें ये जानना था कि ये मान लेते हैं जो कायिक कलिका थी वो अब किसमें बदल गई पुष्पीय कलिका में और इस पुष्पीय कलिका के ऊपर पुष्प कैसे लगे इसमें क्या होगा ऐसा। तो हमने अभी बोला था कि इसके अंदर राइबोसोम की मात्रा बढ़ जाएगी, डीएनए आरएनए की मात्रा बढ़ जाएगी, प्रोटीन संश्लेषण की दर बढ़ जाएगी और कोशिकाएं जो है वो आकार में वृद्धि कर लेगी, काफी मोटी हो जाएगी। अब देखिएगा ये जो कोशिकाएं हैं इन कोशिकाओं के अंदर निरंतर समसूत्री विभाजन होंगे। क्या होगा? निरंतर समसूत्री विभाजन, निरंतर समसूत्री विभाजन होगा। अब हम जानते हैं कि जो शीर्षस्थ कोशिकाएं होती है वो किस ऊतक की बनी हुई होती है? विभाज्योतक की, विभाज्योतक, विभाज्योतक की कोशिकाएं होती है। ऐसी कोशिकाएं जिनके अंदर विभाजन जो है वो होता रहता है, विभाजन होता रहता है, ऐसे ऊतक को हम क्या कहते हैं? विभाज्योतक। और यदि हम स्थिति के आधार पर विभाज्योतक की बात करें तो ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। पहला जो विभाज्योतक होता है उसको हम कहते हैं शीर्षस्थ विभाज्योतक। क्या बोलते हैं? शीर्षस्थ विभाज्योतक। दूसरा जो विभाज्योतक होता है उसको बोलते हैं अंतर्वेशी विभाज्योतक। क्या बोलते हैं? अंतर्वेशी विभाज्योतक। और तीसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं सीमांत, सीमांत या फिर इसको बोला जाता है पार्श्वीय विभाज्योतक, सीमांत या पार्श्वीय विभाज्योतक। तो विभाज्योतक जो है उसको स्थिति के आधार पर हमने 3 भाग में बांट दिया। जैसे कोई पौधा है, ये मान लिया इस पौधे की शीर्षस्थ वृद्धि चाहे वो प्ररोह की हो चाहे वो आरोह की, शीर्ष पर उपस्थित विभाज्योतक कौन सा है? शीर्षस्थ विभाज्योतक। कई बार क्या होता है पादप वृद्धि करते करते इसकी शीर्षस्थ विभाज्योतक की कोशिकाएं जो है, कुछ कोशिकाएं जो है वो स्थायी उत्तकों के बीच में शेष रह जाती है। इस प्रकार के विभाज्योतक को हम क्या कहते हैं? अंतर्वेशी, अंतर्वेशी विभाज्योतक कहते हैं, विभाज्योतक कहते हैं। और पादप के पार्श्वीय भागों में उपस्थित विभाज्योतक जो पादप की मोटाई के लिए उत्तरदायी होते हैं ऐसे विभाज्योतकों को क्या कहते हैं? पार्श्वीय, पार्श्वीय या सीमांत विभाज्योतक कहते हैं। अब ये विभाज्योतक की बात मैंने क्यों बताई आपको? क्योंकि यहाँ पर विभाजनशील उत्तक की आवश्यकता है तो निरंतर वृद्धि करे। इसमें से जो कोशिकाएं है वो निरंतर वृद्धि करती है, कुछ समय तक तो ये परिणत विभाजन होता है और इसकी लंबाई में वृद्धि होती है, उसके बाद ऊर्ध्व और क्षैतिज दोनों दिशाओं में वृद्धि होना शुरू हो जाता है। देखिएगा हमने बोला है कि पुष्प क्या होता है? पुष्प रूपांतरित, रूपांतरित संघनित प्ररोह, संघनित प्ररोह।
अब जैसे कोई स्टैम्प है, वो स्टैम्प लगातार ग्रोथ करता जाएगा तो उसके ऊपर दो चीजें होती है, एक तो होती है पर्वसंधियां और दूसरे होते हैं पर्व। पर्वसंधियां और पर्व दोनों होते हैं। पर्वसंधि आएगी, पर्व वृद्धि करेगा, काफी लंबा होगा, फिर पर्वसंधि आएगी, फिर पर्व आएगा, पर्वसंधि आएगी। यदि ऐसा हो कि ये पर्व जो है लंबाई में वृद्धि कम कर दे तो क्या होगा, ये पर्वसंधियां जो है ये पास पास में आ जाएगी, बहुत पास पास में आ जाएगी, अर्थात क्या हो गया, ये संघनित हो गया। ये स्टैम अब कैसा हो गया, संघनित हो गया। ऐसा ही कुछ होता है फ्लॉवर निर्माण के समय, जो कोशिकाएं हैं उसमें पहले तो ऊर्ध्व वृद्धि होती है और उसके बाद ऊर्ध्व और क्षैतिज दोनों दिशाओं में वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। और जब ऊर्ध्व और क्षैतिज दोनों दिशाओं में वृद्धि होती है तो इस प्रकार ये जो पुष्पीय कलिका है ये कुछ इस तरीके से फूलकर मोटी हो जाती है। क्या हो जाती है, फूलकर मोटी हो जाती है। और इसके ऊपर का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल काफी अधिक बढ़ जाता है। ऊपरी ऊपरी शीर्ष का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है। अब देखिएगा, ऊपरी शीर्ष का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ गया लेकिन इसका आधारी भाग जो है वो कैसा रह गया, पतला, या फिर इसको कह सकते हैं डंठल नोमा रह गया। सामान्यतः जिनमें डंठल उपस्थित है उसमें ऐसा होता है, जिसमें डंठल नहीं है उसमें सीधा क्या बनता है, ऊपरी भाग बनता है। अब देखिए, ये जो डंठल नुमा पतले वाला भाग रह गया, बेलनाकार भाग, ये तो किसका निर्माण कर देगा, पुष्प वृंत का निर्माण करेगा। किसका निर्माण कर देगा, पुष्प वृंत का निर्माण करेगा, पेडेंकल का निर्माण कर देगा। और इसका जो शीर्षस्थ फूला हुआ भाग है, ये शीर्षस्थ फूला हुआ भाग निर्माण करता है पुष्पासंघ। किसका निर्माण करता है, पुष्पासंघ का, थैलेमस का, ये बन गया थैलेमस। अब जो थैलेमस बना है ये रूपांतरित किससे हुआ, प्ररोह से। किससे रूपांतरित हुआ है, प्ररोह से रूपांतरित हुआ है। अब ये हो गया यूं मोटा भाई, पहले इस तरीके से मान लेते हैं कि पतला एक स्टैम था जो कि आगे की तरफ वृद्धि कर रहा था, उसमें क्या थी, कहीं पर पर्वसंधियां थी और कहीं पर पर्व था, फिर पर्वसंधि थी फिर पर्व था। अब हुआ ऐसा कि ये बीच में से यूं मोटा हो गया तो इसके ऊपर पर्वसंधियां और पर्व खत्म थोड़ी हो गए, पर्वसंधियां और पर्व तो इसके ऊपर है लेकिन पर्व जो है अपेक्षाकृत उसमें वृद्धि बहुत कम हुई, छोटे रह गए, जिससे पर्वसंधियां जो है वो बहुत नजदीक नजदीक आ गई। और इस तरीके से बने हुए थैलेमस के ऊपर जो पर्वसंधियां है वो बहुत पास पास में आ जाती है। इस तरीके से देखेंगे, ये इस तरीके से देखिएगा, ये यूं हो गया, जिसमें जो पीछे का भाग है ये तो पतले वाला क्या रह गया, पुष्प वृंत रह गया, और ये ऊपरी भाग जो फूला हुआ भाग है ये फूला हुआ भाग क्या है, थैलेमस है। और इस थैलेमस के ऊपर जो है वो पर्वसंधियां जो है वो इस तरीके से विन्यासित है, इस तरीके से इसके ऊपर पर्वसंधियां है जो कि चारों तरफ है क्योंकि ये मोटा हो गया, पर्वसंधि चारों तरफ होती है और ये स्टैम मोटा हो जाएगा तब भी इसके चारों तरफ पर्वसंधि रहेगी, तो ये पर्वसंधि जो है इसके चारों तरफ सभी पर्वसंधियां है। इसका 3D डायग्राम हम यहाँ पर बना नहीं पा रहे, आपको ऐसे समझना है कि इस थैलेमस के चारों तरफ ये पर्वसंधि है। अब क्या होगा, ये जो पर्वसंधियां है इन पर्वसंधियों के नीचे की जो हाइपोडर्मिस होती है, ये ऊपर की एपिडर्मिस होगी, इसके नीचे भी कई सारी परतें होगी, कोशिकाएं होंगी, क्योंकि कोशिकाओं ने वृद्धि करके ही इसका निर्माण, ये इस तरीके से कोशिकीय परतें होगी। अब जो ये कोशिकीय परतें हैं इसमें से ये हाइपोडर्मिस की जो कोशिकाएं होती है इनमें परिणत विभाजन होता है, आई बात समझ में, पहले इसमें परिणत विभाजन होता है इस तरीके से, परिणत विभाजन का मतलब हो गया इस तरीके से आड़ा विभाजन, जैसे ये यौन कोशिकाएं दीवार का निर्माण करी, ऐसे विभाजन होगा जिससे ये मोटाई में वृद्धि होगी।
और ये मान लेते हैं यहाँ पर परिणत विभाजन होगा, इस तरीके से परिणत विभाजन होता रहता है। ये अलग अलग पुष्पीय अंगों के लिए हो सकता है कि अलग अलग परतों से विभाजन होता हो, और इस तरीके से ये परिणत विभाजन होता रहेगा। ये हुआ परिणत विभाजन। कुछ समय तक इसमें क्या होता है, इस तरीके से परिणत विभाजन होता है, उसके बाद में अपनत और परिणत दोनों प्रकार का विभाजन होता है। अब देखिए ये जब स्टार्टिंग होती है तो स्टार्टिंग के समय कौन काम करता है, शीर्षस्थ विभाग ज्योतकी कोशिका। ये जो वृद्धि शुरू होती है ये कौन सी कोशिकाएं करती है, शीर्षस्थ विभाग ज्योतकी कोशिकाएं शुरू करती है। लेकिन थोड़ी देर वृद्धि करने के बाद इसकी जो सीमांत या पार्श्वीय विभाग ज्योतकी कोशिकाएं जो है वो भी वृद्धि करना शुरू कर देती, और इस तरीके से क्या होता है इस थैलेमस के ऊपर बन जाते हैं पुष्पीय अंगकों के आद्यक। आद्यक का मतलब हो गया प्रारंभिक अंग, पुष्पीय अंग की वृद्धि हेतु बनने वाले प्रारंभिक अंग जो है उनका निर्माण हो जाता है। अब देखिएगा ये पुष्पीय अंग कौन से, बाह्य दल, दल, पुमंग और जायांग, इनके आद्यकों का निर्माण हो जाता है। अब ये आद्यकों का निर्माण कैसे हो गया, जैसे ये थैलेमस है, इस थैलेमस के ऊपर मान लेते हैं कि ये बन गया सेपल्स का आद्यक, ये बन गया पेटल्स का आद्यक, ये बन गया स्टमन का आद्यक, ये बन गया अपना गाइनोशियम का आद्यक जिसको हम कार्पल कह दें, ये बन गया फिर से स्टमन का, ये बन गया पेटल का, ये बन गया सेपल का, इस तरीके से आद्यकों का निर्माण हो जाता है। ये अतिवृद्धियां बन जाती है और यही अतिवृद्धियां क्या कहलाती है, आद्यक कहलाती है। आई बात समझते हैं। अब ये आद्यक जो है ये सेंटीपेटल स्थिति में बनते हैं। सेंटीपेटल स्थिति का मतलब हो गया बाहर से अंदर की तरफ, परिधि से केंद्र की तरफ इनका निर्माण होता है, और इनके निर्माण के लिए उत्तरदायी होते हैं कुछ विशिष्ट जीन्स, कुछ विशिष्ट जीन्स। एक प्रश्न हमारे दिमाग में ये भी आता है कि इस थैलेमस के ऊपर कहीं पर यहाँ पर बाह्य दल ही लगता है, यहाँ पर दल भी लगता है, यहाँ पर पुमंग ही लगता है और यहाँ पर जायांग भी लगता है, ऐसा क्यों होता है। तो इसके लिए उत्तरदायी होते हैं जीन्स। जीन जो होता है वो किसी विशिष्ट काम को ही करता है, नई बात समझ में। और दूसरा होता है कोशिकाओं में विभेदन। देखिएगा हमारा शरीर यदि बात करें तो हमारा शरीर जो है इसका प्रारंभ भी एक जायगोट से होता है, एक कोशिका से होता है। लेकिन क्या अभी हमारे शरीर की सभी कोशिकाएं एक जैसा काम कर रही है, नहीं कर रही। लेकिन प्रारंभ तो किससे हुआ था, एक ही जायगोट से हुआ था, तो सभी कोशिकाएं एक जैसा काम करना चाहिए थी, लेकिन नहीं कर रही है। हाथ की कोशिकाएं हाथ बनाने का काम कर रही है, कान की कोशिकाएं कान बनाने का काम कर रही है, नाक की कोशिकाएं नाक बनाने का काम कर रही है, ऐसे ही पांव की कोशिकाएं पांव बनाने का काम कर रही है। तो इनमें हुआ क्या, इन कोशिकाओं में कार्य को लेकर विभेदन हुआ, क्या हो गया, डिफ्रेंसिएशन हो गया। ठीक वैसे ही पादपों के अंदर भी ये जो थैलेमस की ऊपरी कोशिकाएं हैं, विभाज्योतकी कोशिकाएं, इनके अंदर विभेदन, और विभेदन के परिणाम स्वरूप ये हुआ कि ये कोशिकाएं, यहां की कोशिकाएं जो है ये क्या करेगी, ये बाह्य दल का निर्माण ही करेगी, ये दल का निर्माण ही करेगी, ये पुमंग का निर्माण ही करेगी और ये जायांग का निर्माण ही करेगी। इस तरीके से इनमें क्या हो गया, विभेदन हो गया और अब ये आद्यकों का निर्माण हो गया। मतलब ये प्रिमिटिव ऑर्गेन है जो कि बाद में वेल डेवलप्ड होगी, किसका निर्माण करेंगे, उन पुष्पीय अंगकों का निर्माण करेंगे जिनको हम पुष्प की संरचना के अंदर देखते हैं। अब ये आगे की तरफ वृद्धि करेगा तो बाह्य दल का निर्माण हो जाएगा, ये आगे की तरफ वृद्धि करेगा तो दल का निर्माण हो जाएगा, ये आगे की तरफ वृद्धि करेगा तो पुमंग का निर्माण हो जाएगा, पुंकेसर का निर्माण होगा, और पुंकेसर मिलकर किसका निर्माण करेंगे, पुमंग का निर्माण करेंगे, और ये आगे की तरफ वृद्धि करेगा किसका निर्माण हो जाएगा, अंडक का निर्माण हो जाएगा। ये तो स्थिति हुई सामान्य से। अब हमें मूलतः जानना किसके बारे में, अंडक के बारे में। ये अंडक जो है ये बना कैसे बनता है, इसका आगे जो है डेवलपमेंट इसका कैसे होता है।
तो इसके बारे में जानने के लिए हम देखते हैं, हमने देखा है कि कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिनके अंदर अंडक जो है एक ही होता है, एक होता है उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसका तो हमने अभी देख लिया कि ये उसका आद्यक बनता है और ये आद्यक जो है ये आगे स्प्रौत कर लेता है। इसके अंदर जो होता है मुख्यतः शीर्षस्थ और पार्श्वी विभाजित जो है वो काम करते हैं, शीर्षस्थ विभाजक जो है उसकी लंबाई बढ़ाता है और पार्श्वी विभाजक जो है उसकी मोटाई बढ़ाता है, इस तरीके से एक अंडक का निर्माण हो जाता है, अंडक जो है उसका फॉर्मेशन हो जाता है, उसकी ऊपरी वर्ती का स्टाइल और फिर उसके अंडाशय का निर्माण हो जाता है। लेकिन यदि स्थिति है बहुअंडपी, बहुअंडपी तो बहुअंडपी स्थिति के अंदर दो स्थितियां हमें देखने को मिलती, एक होती है एपोकार्पस, दूसरी होती है साइनकार्पस। ये क्या होता है, ये हमने देखा होगा पहले, जिसको हम कहते हैं वी युक्ता अंडपी, या जिसको स्वतंत्र अंडपी कहते हैं एपोकार्पस कंडीशन, और दूसरी कंडीशन होती है साइनकार्पस, जिसको हम कहते हैं संयुक्ता अंडपी ठीक पर। अब देखिए ये जो बी युक्त अंडपी बने, बी युक्त अंडपी के अंदर अंडप तो ज्यादा है और अंडप पृथक पृथक है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो थैलेमस था उस थैलेमस के ऊपर एक से अधिक आद्यक बने थे और एक से अधिक आद्यक जो है एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं थे, एक दूसरे से क्या थे, पृथक पृथक आद्यकों का निर्माण हुआ था और एक आद्यक ने किसका निर्माण किया, एक अंडक का, दूसरे ने दूसरे का, तीसरे ने तीसरे का, चौथे ने चौथे का और पांचवें ने पांचवें का। एक किसी पर्टिकुलर पुष्पीय अंग की बात करें, चाहे आप बाह्य दल की करो, चाहे आप दल की करो, चाहे आप पोहम की करो या फिर चयन की, उसकी जितनी भी इकाइयां होती वो सारी इकाइयां एक चक्रीय क्रम में व्यवस्थित होती है, तो इसके अंदर भी जो अंडक बनेंगे, ज्यादा अंडक बनेंगे वो एक चक्रीय क्रम में व्यवस्थित हो जाते हैं और सभी क्या होंगे, पृथक पृथक होंगे, इस कारण इसको हम एपोकार्पस कहें, तो इसके लिए अलग अलग अंडकों की व्यवस्था होगी। अब इसके अंदर भी होगा कुछ ऐसे ही, साइनकार्पस के अंदर भी ये थैलेमस, इसके ऊपर एक अंडक, दो अंडक, तीन अंडक, चार अंडक, पांच अंडक, छह अंडक, इस तरीके से अंडकों का निर्माण होगा और ये अंडक जैसे ही ग्रोथ स्टार्ट करेंगे तो इस ग्रोथ के साथ साथ इनमें एक प्रोसेस होती है जिसको हम कहते हैं ऑन्टोजेनी फ्यूजन। क्या बोलेंगे, ऑन्टोजेनी फ्यूजन। ऑन्टोजेनी शब्द का मतलब होता है व्यक्ति वृद्ध, व्यक्ति वृद्ध, और फ्यूजन का मतलब होता है संलयन, संलयन, व्यक्ति वृद्ध ये संलयन होता है। व्यक्ति वृत्त हम किसको कहते हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बात करते हैं तो उसके अंदर उसकी एक फॉर्मेशन से लेकर उसकी खुद की लाइफ साइकिल जब तक कंप्लीट होती है, उसका लास्ट ग्रोथ जो होता है, यहां तक का जो प्रोसेस होता है ये ऑन्टोजेनी कहलाता है, व्यक्ति वृत्त कहलाता है। और इसका अपना व्यक्ति वृत्त होगा, इसका अपना व्यक्ति वृत्त होगा, इसका अपना व्यक्ति वृत्त होगा, तो ये अपने इंडिविजुअल्स जो है आपस में क्या करेंगे, संलयन करेंगे, जुड़ेंगे, और ये जुड़ेंगे जिससे क्या होगा, हमारा साइनकार्पस प्रकार का क्या बन जाएगा, गाइनोशियम बन जाएगा, आपस में अंडक जो है वो सारे जुड़ जाएंगे और जुड़कर किसका निर्माण कर देगा, गाइनोशियम का निर्माण हो जाएगा, किस तरीके का, साइनकार्पस प्रकार का गाइनोशियम बन जाएगा। आई बात समझ में, ये हो गई हमारी किसकी बात, पर्टिकुलर जो गाइनेशियम्स है वो किस तरीके से बनते हैं, इसका ग्रोथ किस तरीके से होता है। अब हमें किसी एक अंडक की बात करनी है, तो अंडक है वो किस तरीके से बनेगा और उसके अंदर किस तरीके से उसकी ग्रोथ होगी, उसके बारे में हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।